25 वर्ष झाली हो पण अजूनही तोच लढा सुरू आहे. 80% मराठीच मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. या महाराष्ट्रात मराठी माणसाचं स्वप्न आधी. पंचवीस वर्ष झाली हो पण अजूनही तोच लढा सुरू आहे. 80% मराठीच मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. या महाराष्ट्रात मराठी माणसाचं स्वप्न आधी. पंचवीस वर्ष झाली हो पण अजूनही हम देख सकते हैं ये सारे व्यापारी हैं जो अपना धंधा लगा रहे हैं. कुलाबा पुलिस स्टेशन के सामने ये सारे धंधे लगाए गए हैं ताकि उनकी रोजी रोजगार चल सके. लॉकडाउन जैसे माहौल में भी इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी परेशानी से गुजरते हुए ये लोग देख रहे हैं. यहाँ पर एक बहुत ही फेमस शॉप है और सामने दुकान है एक बार छोड़ दो यहाँ भी ले लो मैडम मेरा स्टॉल लगा लिया. जैसे कि देख रहे हो कि कुलाबा में काफ़ी से काफ़ी अच्छी मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा पब्लिक टूरिस्ट एरिया में आके शॉपिंग करती है और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का. इतने सालों से यहाँ पे हॉकर्स लोग हैं जो अपने धंधे को लगा के अपनी रोजी रोजगार कमा रहे हैं और काफ़ी अच्छे धंधे की इन्होंने सजावट की है कुलाबा मार्केट में. आप देख सकते हो जितने भी हॉकर्स हैं काफ़ी खुश है कि मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है वो निर्णय काफ़ी अच्छा लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉकर्स है वो अपनी रोजी रोटी चला सके. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी कहा है और हमारे चैनल से ये भी बने दे रही है. हम फिर मिलेंगे आपके साथ. नमस्कार. आपका शुभ नाम सर? राजू कुशवाहा. राजू जी अभी लॉकडाउन जैसे माहौल में आप लोग का धंधा शुरू हो गया तो क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है चालू हो गया तो मुख्यमंत्री जी का आप धन्यवाद किस तरह करना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद तो है ही सर. दूसरे राज्यों में देखा गया है कि लॉकडाउन की जो टाइमिंग है वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन मुंबई के हमारे जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी उन्होंने काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखे है ताकि मुंबईकर को परेशानी ना हो. इस पर आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को क्या कहना चाहते हैं? मैं चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए. और आपकी कुछ समस्या? समस्या यही है कि मतलब कि अभी धंधा तो खुल गया लेकिन कस्टमर नहीं है. उसके बाद में वहाँ भी हो गया कि मतलब कि 2 बजे तक बंद हो जाएगा. उसमें और पब्लिक नहीं आ रहा है. क्या आपको लगता है कि कोरोना मामले में फिर से लॉकडाउन होना चाहिए क्या? अभी नहीं, अभी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. लॉकडाउन जितना चलना था चल गया. अभी और लॉकडाउन हुआ तो मतलब अभी उतना. थैंक यू वेरी मच.